एक शहर को विकास से जोड़ने में वहां की सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन सारंगढ़ की बात करें तो यहां की सड़कों को तो देखकर यही लगता है कि विकास और सड़क का यहां कोई लेना देना नहीं है। बरसात के दिनों में यहां की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिसके कारण राहगीरों का इन सड़कों पर चलना मानो किसी दुर्घटना को न्योता देना है। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो कहा जाता है कि एक शहर को विकास से जोड़ने में वहां की सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन सारंगढ़ की बात करें तो यहां सड़कों को देखकर तो यही लगता है कि विकास और सड़क का यहां कोई लेना देना ही नहीं है। बरसात के दिनों में यहां के सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिसके कारण राहगीरों का इन सड़कों पर चलना मानो किसी दुर्घटना को दावत देना है। हम बात कर रहे हैं सारंगढ़ रायगढ़ मार्ग की, जहां रंजीत लाज के सामने और सिंधी ढाबा के आगे बरसात के कारण सड़क में 2 से 3 फीट तक बड़े गड्ढे हो गए हैं और इन गड्ढों के कारण रोजाना हादसे भी हो रहे हैं। इस मार्ग से गुजरने वाली छोटी कारें और बाइक तो रोजाना इन गड्ढों में फंस रहे हैं। बावजूद PWD और यहाँ के अधिकारी कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं या फिर कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं रंजीत लाज के सामने रहने वाले सूरज गुप्ता ने बताया कि सड़क की बदहाली के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। पिछले कई महीनों से मेरे घर के सामने मुख्य सड़क में 2 से 3 फीट का बड़ा गड्ढा हो रखा है, जिसके कारण राहगीर रोजाना गिर रहे हैं और उन्हें चोट भी लग रही है। उनके द्वारा इस संबंध में SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन आज तक सड़क के गड्ढों को भरा नहीं गया है। स्थिति यह बन गई है कि हम अपने घर से भी बाहर निकलकर बैठ नहीं सकते, क्योंकि उन गड्ढों में पानी भरा रहता है और जब कोई भी वाहन या कार वहां से पार होता है तो गड्ढों से भरा पानी का छींटा सीधे उनके घर तक पहुंचता है। सड़क से संबंधित रोड का पुनः निर्माण और उसके सुधार के लिए संबंधित SDM को कई बार मेरे द्वारा स्वयं ज्ञापन भी दिया जा चुका है। मेरा स्वयं का निवास रायगढ़ रोड में स्थित है। आए दिन वहाँ पे मोटरसाइकिल वाले लोग उस गड्ढे में पानी भरे रहने के कारण से वो गड्ढा उनको दिख नहीं पाता है और उस गड्ढे में आए दिन किसी न किसी का एक एक्सीडेंट हो ही रहा, जिसको हम खुद संबंधित हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं और स्थानीय प्रशासन कौन से नींद में सो रही है मुझे तो नहीं पता। कभी किसी की जान चली जाएगी तब उनका नींद खुलेगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा जैसी स्थिति सारंगढ़ की बनी हुई है। मेरा स्थानीय प्रशासन PWD अधिकारी सबसे आग्रह है कि सारंगढ़ से हरदी रोड और सारंगढ़ से परसदा और दंसराय तीनों रोड का जल्द से जल्द सुधार कार्य या फिर पुनः निर्माण के लिए उसका टेंडर जारी किया जाए और उस रोड को बनाया जाए, ताकि आम जनमानस को हो रही असुविधाओं को उनको सुविधा मिल सके। वहीं एक राहगीर ने बताया कि उसका दूध बेचने का व्यवसाय है और वह रोज रायगढ़ रोड से आकर शहर के विभिन्न घरों में दूध देता है। खराब सड़क के कारण उसे खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूध व्यवसायी ने बताया कि दूध बेचकर उसे घर जाते रोजाना रात के 9 से 10 बज जाते हैं और गड्ढों में पानी भरने के कारण गड्ढों का सही आकलन नहीं लगता, जिसके कारण वो कई बार गिरते गिरते बचा है। दूध व्यवसायी ने आगे कहा कि PWD के अधिकारी को इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि गड्ढों के कारण रोजाना लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। तो क्या जवाब करें आदमी को, लेकिन इसमें तो रोज 4 या 5 जन एनी टाइम गिरते हैं। हाँ, बस गाड़ी देखना ना, थोड़ा ऐसे आने में ऐसे ठेसा मारते हैं, लेकिन आदमी कोई नज़र नहीं देते हैं इनके लिए। लेकिन अब क्या करें, छोटे छोटे व्यापारी लोग हमको तो, और वो तो 2-2.5 फीट का गड्ढा है सर, आदमी वहाँ गिर जाएगा तो दिखेगा नहीं, पानी भर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24। और भी खबरों के लिए देखते रहिए ACN 24। नमस्कार।